our motto that learning is a joy and teaching a pleasure. Here we are with the remote teaching and learning process. Bridge the gap. Happy learning. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग व्याकरण का नया टॉपिक सहायक क्रिया का अध्ययन करेंगे। सहायक क्रिया का अध्ययन करने के पहले हम सब क्रिया के बारे में जान लेते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का भाव व्यक्त होता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, खाना, हंसना आदि। किसी भी वाक्य में विशेष अर्थ का बोध कराने के लिए कई क्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। इन क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब मुख्य क्रिया से वाक्य का अर्थ बस नहीं हो पाता तब मुख्य क्रिया के बाद जो क्रिया प्रयुक्त होती है वही सहायक क्रिया होती है, अर्थात वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती हो सहायक क्रिया कहलाती है। तो छात्रों, सहायक क्रिया का अध्ययन करने के लिए हम लोग निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला, कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ने लगा। दूसरा, अब मोटर गाड़ी का आवागमन भी चालू होगा। तीसरा, बच्चे खेलते खेलते गिर पड़े। चौथा, मैं सब छात्रों को कोरोना वायरस से बचने के बारे में समझा देता हूं। तो छात्रों, अभी तक हम लोगों ने तीन क्रियाओं के बारे में चर्चा की। पहली क्रिया संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं प्रयुक्त होंगी तो वे संयुक्त क्रिया कही जाएंगी। मतलब दोनों क्रियाएं या दो से अधिक क्रियाएं जब एक साथ आएंगी तो वे संयुक्त क्रिया होंगी। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। मतलब जो कर्ता और कर्म के मुख्य कार्य के बारे में बताती है वही मुख्य क्रिया होती है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। तो यहां पर हम लोग जाने कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे हिंदी पढ़ने का काम करते हैं। तो यहां मूल क्रिया है हिंदी पढ़ना, मीन्स पढ़ना मूल क्रिया हो गई। सहायक क्रिया, जैसा कि हम लोग परिभाषा में देखें कि मुख्य क्रिया के बाद मूल क्रिया के बाद आने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। तो छात्रों, अब हम लोग इन उदाहरणों के माध्यम से संयुक्त क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को समझते हैं। पहले वाक्य में दिया गया बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, ये दो क्रियाएं हुई तो संयुक्त क्रिया हो गई। बढ़ना पहले आया है इसलिए मुख्य क्रिया, और बाद में लगा आया हुआ है, लगना सहायक क्रिया। ऐसे ही दूसरा वाक्य चालू होगा, चालू होगा संयुक्त क्रिया, चलना मुख्य क्रिया, होना सहायक क्रिया। तीसरे वाक्य में है गिर पड़े, गिर पड़े संयुक्त क्रिया, गिरना मुख्य क्रिया,
परिणाम सहायक क्रिया चौथा वाक्य में दिया है समझा देता हूं। संयुक्त क्रिया समझना मुख्य क्रिया और देना सहायक क्रिया। तो छात्रों अब हम लोग सहायक क्रिया को जानने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मींस सहायक क्रिया से संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें। बड़ी अच्छी बात यहां पर दिया गया है छात्रों, हम इन्हें क्रमशः यदि याद रखेंगे तो परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आसानी से उसका उत्तर हम लिख लेंगे। तो क्रम से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सहायक क्रिया का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता है, मींस जो वाक्य बनेगा वह वर्तमान काल में भी हो सकता है, भूतकाल में भी हो सकता है, भविष्य काल में भी हो सकता है। दूसरा, सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया के बाद आती है। ये याद रखना है कि सहायक क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में ही आएगी। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जुड़ने पर ही वाक्य का सही अर्थ निकलता है। तो छात्रों यहां पर उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि महामारी में लोग गरीबों को खाना बांटते। देखिए यहां पर बांटते सब मूल क्रिया है, मुख्य क्रिया है, इसके बाद कोई क्रिया नहीं आई, इसलिए वाक्य का सही अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यदि उसके साथ सहायक क्रिया जोड़ दी जाए रहे तो उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। महामारी में लोग गरीबों को खाना बांटते रहे, तो अभी इस वाक्य का कंप्लीट अर्थ समझ में आ जाएगा। चौथा पॉइंट है, सहायक क्रिया के पहले मुख्य क्रिया का प्रयोग अनिवार्य है। तो छात्रों हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें वाक्य बनाने के लिए पूछा जाएगा तो सहायक क्रिया के पहले एक क्रिया जरूर रखनी है, जरूर प्रयोग करना है। पांचवा पॉइंट है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच निषेध वाले न, नहीं, मत शब्द के अतिरिक्त कोई अन्य शब्द नहीं आना चाहिए। बहुत ध्यान देने योग्य बात है छात्रों। तो जब भी हम वाक्य बनाएंगे ये ध्यान रखेंगे कि दो जो क्रियाएं हमें प्रयोग करने हैं उन क्रियाओं के बीच में नकारात्मक निषेधात्मक शब्द के अलावा किसी भी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो यहां पर दो उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। तो छात्रों ध्यान देंगे, बच्चे मैदान में खेलने के लिए गए, तो यहां पर दो क्रियाएं हैं, खेलने गए, तो इसके बीच में के लिए आ गया, यह जो है निषेध वाले शब्द नहीं है, इसलिए यहां पर इसका प्रयोग गलत हो जाएगा। तो छात्रों हमें ध्यान रखना है ऐसे वाक्य परीक्षा में नहीं बनाने चाहिए, हमें ऐसे वाक्यों से बचना चाहिए। निषेध वाले शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बच्चे मैदान में खेलने नहीं गए, खेलने गए के बीच में नहीं आ गया, इसलिए यहां पर सहायक क्रिया खेलना, सॉरी मुख्य क्रिया खेलना और सहायक क्रिया जाना है। अंतिम पॉइंट है, वाक्य बनाते समय मूल क्रिया में होने वाले ना धातु को हटा देते हैं। बहुत ध्यान रखने की बात है, जो भी मूल क्रिया दीजिए रही होगी जब हम वाक्य बनाएंगे तो वहां पर जो ना शब्द होगा, सॉरी ना धातु का प्रयोग किया होगा, उसे निकाल करके हम उसके काल के अनुसार वाक्य बनाएंगे। जैसे खेलना, इसमें आया है ना, इसे निकाल करके अपना शब्द बना लेंगे खेल, कूदना कूद, पढ़ना पढ़, खाना खा,
हंसना हंस। तो यहां पर खेल खेलेंगे, खेला खेले, कूद कूदेंगे कूदा कूदे, पढ़ पढ़ा पढ़े पढ़ेंगे, खा खाया खाए खाएंगे, हंस हंसा हंसे हंसेंगे। इस तरह से काल के अनुसार हम अपने वाक्य के अनुसार इन क्रियाओं को सहायक क्रिया का प्रयोग के रूप सहायक क्रिया के रूप में इनका प्रयोग कर लेंगे। तो छात्रों, परीक्षा में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, वाक्यों में से सहायक क्रिया चुनना, बहुत आसान है, जो अंतिम क्रिया होती है वही सहायक क्रिया होती है। दूसरा, मूल क्रियाओं का, मूल मतलब मुख्य क्रियाओं का वाक्यों में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग करना। जैसा कि छात्रों यहां पर अंतिम पॉइंट जो दिया गया है वहां पर खेलना खेल, तो ये जो खेलना जो मुख्य क्रिया है हम उसे खेल में परिवर्तित करेंगे और काल के अनुसार उसे बदल देंगे, तो हमारा जो वाक्य बनेगा वह एक कंप्लीट और सही वाक्य बनेगा। तो छात्रों, इन संबंधित मतलब सहायक क्रिया से संबंधित ये जो मैंने आप लोगों को बातें बताई, इसे बार बार पढ़ करके सुन करके याद रखेंगे और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आसानी से लिखेंगे। धन्यवाद छात्रों।